हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CTET 2020 के एग्ज़ाम के बारे में। आज आपको इस वीडियो में CTET एग्ज़ाम के बारे में एक ऑफिशियल न्यूज़ मिलने वाली है, एक बहुत ही बड़ी खबर कि उसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे विद प्रूफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर CTET के रिलेटेड हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, और इसी के साथ आपने बेल आइकन बटन भी नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए, ताकि अगर CTET के रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया इवेंट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई करवाए। जिस तरह से अभी CTET का अपडेट है, वीडियो से वीडियो बना के आपको नोटिफाई कर पा रहे हैं, उसी तरह से आप वन सिग्नल भी कर दीजिए, मींस बेल आइकन बटन दबा के रखिए, ताकि हम आपको जो है नोटिफाई अपडेट रख पाए हर न्यूज़ के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अभी आपको CTET के बारे में बताना। तो CTET के एग्ज़ाम को लेकर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि जो CTET का एग्ज़ाम हमारा जो कंडक्ट होने वाला था वो अभी और पोस्टपोन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगस्त से प्रस्तावित परीक्षाओं पर संकट, मीन्स अभी तक जून और जुलाई तक तो जो एग्ज़ाम हो रहे थे वो एग्ज़ाम तो हुए नहीं, वो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुए जा रहे थे आगे आगे, तो जो हमारा एग्ज़ाम था वो आगे पोस्टपोन हुआ था अगस्त पर। अभी यहाँ पे भी ये आ रहा है न्यूज़ में कि अगस्त में भी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी अभी उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, उन पर भी अभी संकट है कि वो एग्ज़ाम भी अगस्त में भी अभी जो है कंडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने मेरे इसके पहले वाले वीडियो में बोला था, आप चाहे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस में जाके चैनल में, जो UGC है उसने एक गाइडलाइंस निकाला था। उस गाइडलाइन में UGC ने कहा था कि जितने भी एग्ज़ाम्स है वो सब सितंबर के एंड तक हो जाने चाहिए। तो अब इससे यही साबित होता है कि जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है ZNEET और CTET, तो CTET भी हमारा जो है इसके अंदर जो आ चुका है, जिसके ऊपर जो है खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो इसके जो न्यूज़ गाइडलाइंस में जो बताया था UGC ने ये कहा था कि जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के एंड तक हो जाने चाहिए। तो अब इससे ये साबित होता है कि हमारा जो CTET भी है वो अगस्त में होने वाला था, पर अभी अगस्त में भी खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो अभी सितंबर के बाद ही, सितंबर के एंड वीक में या सितंबर के बाद जो है वो कंडक्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एग्ज़ाम तो होके रहेगा। अगर सितंबर में भी कोई परेशानी होती है तो जो इसकी अथॉरिटी है वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी एग्ज़ाम लेने का, तो आप कोई फिक्र मत कीजिए। आपको प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल चुका है, तो आप अपनी CTET की प्रिपरेशन है जो है जारी रखिए। सो फ्रेंड, अगर इसके रिलेटेड आपको और कोई भी क्वेरीज और कोई भी चीज़ जानना था मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए और CTET के रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।